चले आज हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमने लास्ट टाइम लेटर्स वगैरह बनाना सीखा था और कुछ हमने उसमें फॉर्म्स वगैरह बनाना सीखा था, उसके अलावा कुछ और कमांड्स के बारे में समझते हैं कि जो आप लोग काम करते हुए जो प्रॉब्लम आ रहा होता है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं और कुछ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं और कुछ फॉन्ट्स की सेटिंग, इसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लिया, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये कमांड जो है रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ का रैंडम टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद मुझे फील हुआ कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है। अब मुझे इसका केस चेंज करना है, मतलब कैपिटल लेटर में करना है या किसी और में करना है, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज केस का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको मैं लोअर केस मतलब बिल्कुल स्मॉल एबीसी के अंदर और अपर केस मतलब कैपिटल एबीसी में, कैपिटल लेटर्स में, और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला कैपिटल वर्ड लेटर, और यहाँ से टॉगल केस में इजीली इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको जो है दोबारा से इसको डिलीट करूँ और दोबारा से रीटाइप करूँ, बल्कि ये काम मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ जैसे भी मैं चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो ये इस तरह से ये काम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कर तो लिया सेट और इसको भी कर लिया यहाँ से सेलेक्ट करके, और इसको मैंने सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दिया। सेंटेंस केस में ये होगा कि पूरे सेंटेंस में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसी तरीके से यहाँ से ये लेटर कैपिटल होगा। अच्छा, फिर ये जो दो बटन है फॉन्ट साइज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे टू टू पॉइंट्स करके बढ़ाना है यहाँ से कम कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर्स को एक्सेस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई आपने इस तरह का फॉन्ट लिया कि जो 72 पर जाके एंड हो गया, आप क्या करें अगर इससे बड़ा फॉन्ट चाहिए, तो फिर आप खुद नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे 72 से बड़ा है 100 का नंबर डाल दें तो ये फॉन्ट उतना बड़ा हो जाएगा, और अगर उससे बड़ा नंबर डालेंगे 200 का तो ये उससे बड़ा भी फॉन्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैनुअल नंबर एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने इसके अंदर कोई नंबर वगैरह ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल, देखिए स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करेंगे और हमें स्टाइल मिलता है एरियल, तो यहाँ से एरियल स्टाइल ले सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके अडोब का कोई स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ से और भी स्टाइल्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका फॉन्ट्स को जो है यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें से यहाँ से ही सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। दूसरी एक और मिस्टेक आप जो अक्सर कर रहे होते हैं इसके अंदर, ये जस्टिफाई वाली कॉन्टेंट। देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ऐसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट कैसे काम करेगा, देखिए अगर आपने एक लाइन का कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक लाइन का टेक्स्ट है, इस पे काम नहीं करेगा। ये दो वर्ड्स हैं, अगर आप लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट फाइल, इस पर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखें, मैं इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे रख के कंटिन्यू कर रहा हूं, फुल स्टॉप लगा दिया है मैंने, लेकिन इंटर नहीं दबा रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, क्रिएट फाइल्स इट इज, अभी मैं इंटर नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्ट लाइन चेंज करेगा, इट इज वेरी कॉमन। क्या हुआ, इंटर दबाया मैंने, नहीं, इसने पैराग्राफ के अंदर लाइन चेंज कर ली, कॉमन एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन विच इज नेसेसरी टू लर्न फॉर एवरी वन हु इज रिलेटेड टू, अभी फिर लाइन चेंज करेगा, कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर साइंस फील्ड, ठीक है। अब ये मैंने लिखा, देखिए मैं अगर तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और तीनों पे देखिए राइट अलाइन सब पे काम करेगा, लेफ्ट अलाइन सब पे काम करेगा, सेंटर अलाइन सब पर काम करेगा, लेकिन जस्टिफाई सिर्फ उस पर काम करेगा जो पैराग्राफ एक से ज्यादा लाइन का होगा, एक से, ये एक लाइन का है, ये 2.5 लाइन का पैराग्राफ है,
इसलिए इसने इसको दोनों साइड से क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। फिर जस्टिफाई के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मतलब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये वाला लेवल भी ले सकते हैं, जस्टिफाई लो लेवल, जस्टिफाई मीडियम लेवल, जस्टिफाई हाई लेवल। ये क्या करता है, वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको मैनेज करता है और आपके टेक्स्ट को एक्सटेंड करता है और दोनों साइड से बैलेंस रखता है। तो सम टाइम अगर आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत है तो उसको जस्टिफाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपको रेयरली मेरा ख्याल है, मतलब ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये काम करता है, तो अब ये मेरा ख्याल है कि आपको सही तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया सही तरीके से, ये चेंज केस का, फॉन्ट्स का और जस्टिफाई का। ठीक है,